गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास जो हमारी न्यूक्लियस चल रही थी उसमें हम दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में बात कर चुके थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस का जो थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, दैट इज़ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस आप देखिए, ये पूरी सेल है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर ये है न्यूक्लियोलस। सेल में न्यूक्लियोलस की जनरली जो संख्या होती है वो एक होती है, लेकिन इससे ज़्यादा भी इनकी संख्या हो सकती है, जो पूरी तरह से न्यूक्लियोप्लाज्म में डूबी रहती है। हम बात करें कि इसकी डिस्कवरी है जो किसने की है, इस न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी एक साइंटिस्ट है फोंटाना, जिन्होंने 1781 में इसको डिस्कवर किया, और बाद में बोमैन ने इसको न्यूक्लियोलस नाम दिया है। इज इट क्लियर? आप देखें कि न्यूक्लियोलस का जो मेन रोल होता है वो होता है राइबोसोम सिंथेसिस करना, यानी कि राइबोसोम को बनाना। अब जो सेल सबसे ज़्यादा एक्टिव होगी, तो प्रोटीन सिंथेसिस जो ज़्यादा करेगी उनमें ये बहुत डोमिनेंट टाइप की न्यूक्लियोलस होगी, और जो सेल प्रोटीन सिंथेसिस में एंगेज नहीं होगी उनमें ये बहुत छोटी संख्या में या छोटे रूप में उपस्थित हो सकती है। इज इट क्लियर? अब हम अगर बात करें न्यूक्लियोलस की तो इसमें और क्या क्या हैं आप देखें। ये देखिए, मैंने बताया आपको न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी फोंटाना ने की 1781 में, बोमैन ने न्यूक्लियोलस नाम दिया था। केंद्रक के अंदर एक या दो केंद्रिकाएं होती हैं, किसी झिल्ली के अभाव में सीधे केंद्रक द्रव में संपर्क में रहती है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होती है और सीधी न्यूक्लियोप्लाज्म से कॉन्टैक्ट में रहती है। न्यूक्लियोलस प्रोकैरियोट्स में तो होगा ही नहीं, और मैंने बताया कि जो सेल प्रोटीन सिंथेसिस में ज़्यादा एंगेज होगी वहाँ पर इनकी संख्या ज़्यादा हो सकती है और डोमिनेंट टाइप की हो सकती है, और जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा है वहाँ ये लेस डोमिनेंट और कम संख्या में हो सकती है। अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें इसका, तो इसके अंदर प्रोटीन 85% प्रोटीन की बनी होती है, ये 10% इसमें आरएनए होता है और 5% इसमें डीएनए होता है। इज इट क्लियर? अगर मैं इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करूं, तो आप देखिएगा एक डायग्राम मैंने बनाया है, उसमें आपको इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिखाई देगी। देखिए, ये एक न्यूक्लियोलस की स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोलस बिल्कुल एक सर्कुलर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इस चीज़ को आप दिमाग में रखेंगे। तो न्यूक्लियोलस में क्या है कि चार इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, चार चीज़ें होंगी इसमें। एक आप ये देखिए, एक इसके अंदर जो लिक्विड फॉर्म में ये जेल लाइक स्ट्रक्चर है, एक डॉट डॉट ये दिख रहे हैं आपको, और एक ये फाइब्रिलर चीज़ें दिख रही हैं। एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले आप देखें ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि मैट्रिक्स। न्यूक्लियोलस के अंदर पूरा प्रोटीन का बना हुआ एक जेल लाइक मास भरा हुआ है, जिसे हम कह रहे हैं क्या, मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स में आप देखें कुछ ग्रेन्यूल्स और ये फाइबर्स हैं जो एम्बेडेड हैं, डूबे हुए हैं इसमें। इज इट क्लियर? तो आप देखें इसको, हम फिर सेकंड पार्ट की हम बात करें, ग्रेन्यूलर पार्ट। तो ये आप देखें, ये है ग्रेन्यूल्स, दिख रहे हैं ग्रेन्यूल्स, जो पूरी तरह से किसके बने हुए हैं, प्रोटीन और आरएनए के। यानी कि इन ग्रेन्यूल्स में क्या है, प्रोटीन और आरएनए है, जो 2:1 रेशो में उपस्थित होंगे, यानी कि प्रोटीन 2 होगा तो आरएनए 1 होगा, 2:1 प्रोपोर्शन में ग्रेन्यूल्स होंगे। अब आप थर्ड स्ट्रक्चर देखें, फाइब्रिल्स, ये दिख रही हैं फाइब्रिल्स आपको। फाइब्रिल्स में क्या है, ये लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने हैं। ये भी क्या हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने हुए हैं, जो बाद में धीरे धीरे किस में, इन ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि ये फाइब्रिल्स फाइनली ब्रेक होकर के इन ग्रेन्यूल्स में बदल जाएंगे, जो किस किस के बने होंगे, प्रोटीन और आरएनए के। अब आप देखें, ये मेम्ब्रेन नहीं है, ये इसका डीएनए है। क्या है, डीएनए है, जो दो रूपों में पाया जाता है, जो पेरिफेरी पे आपको डीएनए दिखाई दे रहा है ये
पेरिफ्री पे, इसको हम क्या बोल रहे हैं, पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन। और जो अंदर में ये प्रोजेक्टेड है, अंदर देखो ये निकले हुए हुक लाइक स्ट्रक्चर है, इन्हें हम क्या बोल रहे हैं, इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन। ये न्यूक्लियोलस के पार्ट हैं, ये पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन है और ये इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन है। तो एक न्यूक्लियोलस में चार चीज़ें आपको पता होना चाहिए, एक तो मैट्रिक्स होगा, दूसरा ग्रेन्यूल होंगे, तीसरे फाइब्रिल्स, और ये डीएनए जो दो रूप में उपस्थित है, पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन और इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन के फॉर्म में। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि न्यूक्लियोलस करता क्या है, ये आरएनए सिंथेसिस करता है, यानी कि आरएनए का फॉर्मेशन यहीं पे ही होता है, और स्पेशली आरआरएनए। और दूसरा मैंने बताया राइबोसोम, राइबोसोम का भी सिंथेसिस यहीं होता है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि ये न्यूक्लियोलस खुद कहाँ बनता है, ये क्रोमोसोम पर एक रीजन होता है एनओआर, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, ये वहाँ पर सिंथेसाइज होता है एनओआर में, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूक्लियोलस। अब सेकंड कंपोनेंट है क्रोमेटिन नेटवर्क या क्रोमेटिन थ्रेड। ये आप देख रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर ये पूरा का पूरा क्रोमेटिन नेटवर्क है, जो बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। क्रोमेटिन नेटवर्क आप देखें तो ये जनरली पूरा क्रोमोसोम्स हैं, जो कब दिखाई देते हैं, सेल डिवीजन के टाइम, चाहे वो मियोसिस हो या माइटोसिस हो, ये पूरे नेटवर्क हैं जो ओपन हो जाता है और क्रोमोसोम छोटे और मोटे हो जाते हैं, जिनकी हम सेल डिवीजन के टाइम में स्टडी करते हैं। देखिए आगे, हाँ मैंने आपको बताया था कि जब हम क्रोमोसोम को स्टेन करते हैं तो कुछ पार्ट डार्क स्टेन हो जाते हैं और कुछ लाइट स्टेन हो जाते हैं। डार्क स्टेन पार्ट को हम कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन और लाइट स्टेन पार्ट को हम यूक्रोमेटिन। बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही है। तो देखिएगा, इनमें डिफरेंस के बारे में मैंने बात की है, तो ये स्टेन डीपली होंगे यानी गहरे रंग के होंगे और ये हल्के रंग के स्टेन होंगे। अब ये गहरे क्यों स्टेन हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर डीएनए बहुत ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए और आरएनए, और यहाँ पर कम मात्रा में डीएनए आरएनए उपस्थित होता है। फाउंड कंडेंस्ड रीजन ऑफ द क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम के जो कंडेंस फॉर्म है वो हेट्रोक्रोमेटिन होगा, और डिफ्यूज्ड और लाइट कॉइल्ड रीजन क्रोमोसोम का होगा वो यूक्रोमेटिन होंगे। यहाँ रेप्लिकेशन लेट एट द एंड ऑफ द फेज, ठीक है, नॉट एसिटाइलेटेड, जैसे जब हम पढ़ेंगे आगे ट्रांसलेशन तो वहाँ एसिटाइलेशन की ज़रूरत होती है, तो यहाँ रेप्लिकेशन होगा जो लेट स्टार्ट होगा और ये बहुत जल्दी रेप्लिकेशन स्टार्ट करके प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। ये कंडेंस है तो लेस एक्टिव है और ये मोर एक्टिव है। ये टेम्परेचर से अफेक्टेड होते हैं और ये टेम्परेचर से ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होते हैं। ये इनर्ट होते हैं जेनेटिकली, यानी कि फंक्शन लेस होते हैं, काम ही नहीं करते हैं, और ये जेनेटिकली एक्टिव होते हैं। इनमें कुछ ही जीन होते हैं और यहाँ पर बहुत सारे जीन्स उपस्थित होते हैं। इट इज़ फाउंड नियर टू न्यूक्लियर एनवलप, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में मिलते हैं ये, और ये सेंटर में मिलते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस है, इसमें से एटलीस्ट 5 और 6 डिफरेंस आपको आना बहुत ज़रूरी है। देन नेक्स्ट आप देखें, तो देखिए क्या है, जो क्रोमेटिन नेटवर्क की ही हम बात कर रहे हैं, ये धागे एक दूसरे के ऊपर फैलकर एक जाल के समान संरचना बना लेते हैं, जिन्हें हम क्रोमेटिन रेटिकुलम भी कहते हैं, परंतु ये वास्तविक में जाल नहीं होते हैं, क्योंकि प्रत्येक क्रोमेटिन धागे एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। दिखता तो जाल जैसा है, लेकिन अगर आप इन्हें अलग अलग करेंगे तो ये सारे अलग अलग हो जाएंगे इंडिविजुअल रूप में, यानी कि एक एक अलग हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं हमारे अंदर कितने 46 क्रोमोसोम हैं, ये सारे जाल की फॉर्म में दिख रहे हैं, लेकिन मैं एक एक को अलग करूंगा तो ये सारे अलग हो जाएंगे। और जब ये सेल डिवीजन होता है तो यहाँ सिकुड़ कर ये छोटे और मोटे हो जाते हैं, इन्हें गुणसूत्र कहते हैं। क्रोमेटिन नेटवर्क क्या कहलाते हैं, क्रोमोसोम कहलाते हैं। केंद्रक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है ये क्रोमेटिन, क्योंकि इन्हीं में जीन होते हैं,
और यही सारे काम करते हैं। जो रासायनिक दृष्टि से एक न्यूक्लियो प्रोटीन है, क्रोमेटिन नेटवर्क में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होते हैं और हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना होता है। क्षारीय प्रोटीन हिस्टोन है और दूसरी नॉन हिस्टोन होते हैं। तो ये था न्यूक्लियस का पूरा स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे कि न्यूक्लियस के काम क्या है, रोल क्या है, फंक्शन ऑफ द सेल न्यूक्लियस। आप देख रहे हैं पूरा का पूरा न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है, सारी स्ट्रक्चर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो अब हम इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या क्या काम करेगा। एक जीव के वंशानुगत लक्षण यानी कि जेनेटिक करेक्टर्स को कंट्रोल करता है कौन, न्यूक्लियस। हम पहले ही बता चुके हैं कि सेल का कमांडर है कौन, न्यूक्लियस। ये क्या करता है, कैसे अपना काम करता है, ये सेल की प्रोटीन सिंथेसिस करता है। आप जानते हैं कि सारे काम ऑलमोस्ट प्रोटीन के द्वारा किए जाते हैं, सारे एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं, सारी मेम्ब्रेन प्रोटीन की बनी होती है। तो ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है और कोशिका का विभाजन में मदद करता है। अब इनमें धीरे धीरे जब जीन में चेंज आता जाता है तो इवोल्यूशन यानी विकास, भाई एडवांसमेंट की तरफ बढ़ते हैं, नहीं बढ़ते, जैसे हम मंकी से डेवलप हुए हैं तो हमारे जीन में चेंज आता गया तो ही तो एडवांस हुआ हमारा। सेम उसी तरह से क्या है कि न्यूक्लियस में भी जीनों में चेंज होगा तभी ये एडवांसमेंट करेक्टर आएंगे। अब न्यूक्लियोलस में प्रोटीन और आरएनए का संचय करता है, स्टोर करता है प्रोटीन और आरएनए, जिससे क्या बनता है, राइबोसोम बनता है। केंद्रक है जो प्रतिलेखन भी होता है, प्रतिलेखन मतलब ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि डीएनए से एमआरएनए बनना और फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनना, ये सारे काम कहाँ होंगे, न्यूक्लियस में। आनुवंशिक सामग्रियों का संचयन करना, जिससे कि लंबे और पतले डीएनए के रूप में जीन, अब जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारी एक सेल में 30,000 जीन होते हैं, वो सारे जीन्स हैं जो क्रोमोसोम्स में हैं, तो सारे न्यूक्लियस में पैक है या नहीं है, तो फाइनली न्यूक्लियस का ही तो काम हुआ ये। केंद्रक और शेष कोशिकाओं के बीच वंशानुगत अणु यानी डीएनए और आरएनए का एक्सचेंज भी करता है ये। केंद्रक और शेष कोशिकाओं के बीच में जैसे न्यूक्लियस में क्या होगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, लेकिन वो आरएनए प्रोटीन कहाँ बनाएगा, साइटोप्लाज्म में। तो न्यूक्लियस से एमआरएनए निकल के कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में। तो ये काम भी ट्रांसपोर्ट करना, एमआरएनए का काम भी किसका हुआ, न्यूक्लियस का हुआ। कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रक में वर्ण सूत्रों में क्रोमेटिन की व्यवस्था की जाती है, यानी कि जब सेल डिवीजन हो जाता है तो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और फिर क्रोमोसोम से जो आधे आधे दोनों कोशिकाओं में जाते हैं, तो वो काम भी कौन करता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस में राइबोसोम का उत्पादन भी होता है, जो मैं बता चुका हूँ कि न्यूक्लियोलस है जो न्यूक्लियस में है और वो राइबोसोम बनाती है, तो ये काम न्यूक्लियस का भी हो गया या नहीं हुआ। परमाणु छिद्रों के माध्यम से विनियामक कारकों और ऊर्जा अणुओं का संचय चयन परिवहन करता है, परमाणु छिद्रों के माध्यम से, कि न्यूक्लियर पोर थे उनमें से बहुत सारी चीज़ों का एक्सचेंज, जो हमने न्यूक्लियर पोर के काम बताए थे, तो वो काम भी न्यूक्लियस के द्वारा ही किया जाता है। केंद्रक जीन, जीन अभिव्यक्ति की अखंडताओं को नियंत्रित करता है, जीन रेगुलेशन यानी कि जीनों के कंट्रोल को भी न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। और देखिएगा ये एक जीव में वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करता है, ये सब हो चुका है ना। चलिए तो देखिए, तो हमारा पूरा न्यूक्लियस, उसकी स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो और देखिएगा, तो फाइनली अगर मैं बोलूं कि न्यूक्लियस हमारा काम क्या कर रहा है, तो न्यूक्लियस है जो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और सेल के कमांडर की तरह काम करता है। क्रोमेटिन मटेरियल में जीन्स हैं और सारी हमारी इवोल्यूशन को कंट्रोल करता है, हेरिडिटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन आपको आने चाहिए। तो ये था हमारा न्यूक्लियस का पूरा स्ट्रक्चर और उसके
फंक्शन। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, और साथ साथ ही हम आपको असाइनमेंट देंगे, और आपको असाइनमेंट को करके एक या दो दिन के अंदर ही मेरा ईमेल एड्रेस जो मैंने दिया हुआ है उस पर आपको सबमिट कराना है। थैंक यू। ठीक है, अब ये हिंदी में